Dad? Dad? What are you doing? Dad! कहानी की शुरुआत में सारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है। सारा पार्टी में जाना चाहती है लेकिन उसके पिता डॉन उसे परमिशन नहीं देते। इस बात पर सारा नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात को उसका क्रिस्टोफर नामी एक दोस्त आता है। सारा उसके साथ उसकी बाइक पर बैठकर पार्टी में चली जाती है जहां जाने की परमिशन उसके डैड ने उसे नहीं दी थी। सारा पूरी रात उस पार्टी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है। अगली सुबह जब वो घर आती है तो वहाँ पर उसकी माँ और उसकी बड़ी सिस्टर उसके पास आती हैं। तीनों की तीनों आपस में बातें करते हैं और सारा बताती है कि वो 3 महीने बाद 18 साल की होने वाली है और जब वो पूरे 18 साल की हो जाएगी इसके बाद वो अपने दोस्त के पास चली जाएगी। सारा के पिता ये बात सुन लेते हैं। अब लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। एक दिन सारा और उसके पिता घर पर अकेले होते हैं। तभी सारा के पिता सारा से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे नीचे बेसमेंट में कुछ सामान रखना है। और जब वो सामान लेकर नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं तो वहां सारा के पिता एक सीक्रेट दरवाजे को खोलते हैं जिसके बारे में सारा को कुछ नहीं पता होता। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। अब सारा के पिता और सारा उस कमरे के अंदर चले जाते हैं और तभी सारा के पिता मौका देखकर उस खुफिया कमरे का दरवाजा लॉक कर देते हैं। अब सारा अंदर लॉक हो चुकी है। वो बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है लेकिन उसके पिता दरवाजा नहीं खोलते और वहां से ऊपर आ जाते हैं। इस दरवाजे को खोलने के लिए एक सीक्रेट कोड है और जब सारा उल्टे सीधे नंबर दबाती है तो वहाँ की लाइट भी चली जाती है। अब सारा को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। सारा उस बॉक्स को चेक करती है जो वो उसके पिता के साथ उस कमरे में लेकर आई थी। वो देखती है कि उसके अंदर सारा उसका सामान होता है। सारा की मॉम और बड़ी बहन जब घर आती हैं और बहुत देर तक सारा वापस नहीं आती तो वो उसके लिए परेशान हो जाती है। अब एक दो दिन बीत जाते हैं और सारा का कुछ भी पता नहीं चलता, इसीलिए सारा की मॉम पुलिस को बुला लेती है लेकिन पुलिस वाला कहता है कि हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए, हो सकता है वो आपसे संपर्क करे। इसके बाद सारा को बहुत दुख होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके पिता उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सारा को आज बेसमेंट में पूरे 21 दिन हो चुके हैं। आज उसका जन्मदिन है और उसके पिता उसके लिए केक लाते हैं। वो सारा को जो कुछ भी कहते हैं सारा वैसे ही करती है क्योंकि उसके पिता ने उससे वादा किया था कि अगर वो उसकी सारी बात मानेगी तो वो उसे इस जगह से निकाल देगा। यहाँ पर उसके पिता एक बार फिर से उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। दूसरी ओर सारा की मॉम और उसकी बड़ी बहन सारा के लिए बहुत परेशान होती हैं। लेकिन सारा के पिता कहते हैं कि सारा ने खुद कहा था कि जब वो 18 साल की हो जाएगी वो घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन सारा की मॉम को अंदर से पता है कि सारा कहीं ना कहीं फंस चुकी है और वो जानती है कि सारा सिर्फ ऐसा कहती थी, वो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। इसके बाद सारा का दोस्त क्रिस्टोफर जिसके साथ वो पार्टी में गई थी वो सारा के घर आता है और उसके पिता से पूछता है कि सारा कहाँ है। लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सारा को आज बेसमेंट में पूरा 1 साल बीत चुका है और वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है और वो बहुत जल्द एक लड़की को जन्म देती है। सारा की जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना है कि उसे इस बेसमेंट से किसी भी सूरत निकलना है लेकिन उसके लिए उसे कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और आज सारा को यहाँ पूरे 4 साल हो चुके हैं और वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बार वो एक लड़की को जन्म देती है और सारा के अब उस बेसमेंट में 2 बच्चे हैं जिनके साथ वो यहाँ पर रहती है। एक दिन सारा अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी होती है। वो देखती है कि छत से पानी नीचे टपक रहा है। सारा को आइडिया आता है और वो समझ जाती है कि वो जगह कच्ची है। वो वहाँ पर छेद करना शुरू कर देती है और जल्द ही वहाँ पर छेद हो जाता है और जब रात होती है तो वो उस छेद से लाइट चमकाना शुरू कर देती है। अब एक शख्स वहाँ देख लेता है कि कोई बेसमेंट से लाइट ब्लिंक कर रहा है। वो घर का दरवाजा नॉक करता है पर सारा की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ नहीं देती क्योंकि उसका पिता घर के बाहर आता है और वो आदमी उसके पिता को बताता है कि तुम्हारे बेसमेंट से कोई लाइट को ब्लिंक कर रहा है। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बेसमेंट में चला जाता है और सारा को बहुत बुरी तरह से मारता है। ऐसे दिन भी बीतते चले जाते हैं। दोनों बच्चे यहाँ पर परेशान हैं, उन्हें पता नहीं कि उन्हें
हैं कि इस बात की सजा दी जा रही है। और जब सारा से वो इस बारे में पूछते हैं तो सारा उन्हें सारा सच बता देती है और वो कहती है कि जिस आदमी ने हमें यहाँ पर कैद किया है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पिता है, तुम उसी के ही बच्चे हो और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें इससे बचाना चाहती हूँ। ये सुनकर सारा के दोनों बच्चे यहाँ बुरी तरह से डर जाते हैं। और जब ये बात सारा के पिता को पता चलती है कि सारा ने बच्चों को सब सच बता दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक बार फिर से सारा को बहुत बुरी तरह से मारता है। सारा की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है लेकिन सारा अपनी बेटी के लिए परेशान है क्योंकि उसे इस्तमा है और वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। इन सारा के पिता की जॉब चली जाती है, धीरे धीरे से उनके सारे फंड्स भी खत्म हो जाते हैं, उनके ऊपर बैंक का भी लोन होता है, इसीलिए अब उन्हें उस घर को खाली करना होगा। और वो जानता है अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा काला सच दुनिया के सामने आ जाएगा क्योंकि जो भी नई फैमिली घर पर रहने के लिए आएगी वो सारा और उसके बच्चों को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगी। अब वक्त बीतता रहता है और सारा को आज बेसमेंट में पूरे 20 साल हो चुके हैं। 20 साल से उसने ना सुबह देखी और ना शाम, और ना उसने सूरज देखा और ना चांद, उसने बेसमेंट की चार दीवारों के अलावा कुछ भी नहीं देखा। अब एक दिन जब सारा की बेटी को अस्थमा का अटैक आ जाता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। सारा का पिता भी यहाँ पर आ जाता है। सारा उसे कहती है कि मुझे अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाना है लेकिन वो इस फेवर में नहीं होता और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। और जब सारा की बेटी बेहोश होने लगती है तो डॉन उसे कहता है कि तुम हॉस्पिटल चल सकती हो लेकिन तुम्हारा बेटा यहीं रहेगा। अब सारा अपनी बेटी को उठाकर बेसमेंट से बाहर आती है और आज उसने कई सालों बाद अपने घर को देखा है और इतने सालों बाद उसने बाहर की दुनिया को देखा है। सारा अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां पर उसके सामने एक लेडी डॉक्टर आती है और वो सारा से कहती है कि तुम्हें इस फॉर्म को फिल करना होगा। सारा जानबूझकर उस फॉर्म के ऊपर पानी गिरा देती है और जब सारा का पिता दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाता है तो सारा लड़खड़ाते हुए डॉक्टर तक पहुंच जाती है और उसके गले से लग जाती है और कहती है कि मुझे बचा लो। ठीक उसी वक्त सारा का पिता भी पीछे आ जाता है और वहीं पर एक पुलिस इंस्पेक्टर भी होता है और उससे पहले कि उसका पिता वहीं से भागता तो उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद डॉन को ना चाहते हुए भी अपना सारा सच बताना पड़ता है। अब इसके बाद सारा के बेटे को भी बेसमेंट से निकाल लिया जाता है। इन सब ने यहाँ 24 साल गुजारे हैं। 24 सालों के बाद जब सारा की मॉम और उसकी बड़ी बहन सारा और उसके बच्चों को देखते हैं तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है और जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति यानी कि सारा का पिता है। गाइस ये एक रियल स्टोरी है। तो इसी के साथ इस मूवी का भी एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे।